हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी और ये भी निकाल लो, बुला लो फिर। चंद व्यवसायियों के चक्कर में आज उसको तोड़ दिया गया। आप देवास शहर की भौगोलिक स्थिति देखें, चाहे वो अमोना का शमशान हो, चाहे वो नागता पार्नर का शमशान हो, बालनर का शमशान है, जेतपुरा शहर के बीचों बीच स्थित मालीपुरा का शमशान, ये शहर की जनसंख्या के आधार पर एक महती आवश्यकता है। और ये सबसे पुराना शमशान है बालगढ़ बावड़िया क्षेत्र का, इसको हटा दिया गया। प्रदीप भाई ने उसकी लड़ाई लड़ी, उसको फिर से आबाद करने की बात करी, तो शासन ने उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में रिकमेंडेशन किया है। और आज यहाँ पर व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई, सत्ता के दम्भ में आगे कार्रवाई प्रदीप चौधरी पर की गई है, उनको जबरदस्ती बंद किया गया है, जबकि उन धाराओं में उनकी जमानत लेना भी उनके हाथ में बात थी। लेकिन दबाव में आके और पूरी तरीके से सत्ता के पक्ष में कार्रवाई की जा रही है और विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से हटाया जा रहा है। हंगामा भी हो रहा है। नामजद दबाव बता सकते हैं? किसका दबाव, नामजद बता सकते हैं आप? स्थानीय प्रशासन का, नेताओं का, विधायक का, मंत्री का, सबका दबाव है कि भैया ये आदमी मेहनत कर रहा है, लगातार जनता की लड़ाई लड़ रहा है। स्थानीय विधायक लगातार ये आदमी जो है मेहनत कर रहा है, जनता के बीच में अपने पैर जमा रहा है। कोरोना काल में एम्बुलेंस दी, लोगों को खाना दिया जा रहा है, पिछले कोरोना में लगातार निस्वार्थ रूप से बाईपास पर खाना दिया, और अपने जनता के बीच पेट बढ़ती पेट से सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। और आज विधायक, सांसद जी और मंत्री सभी लोग घबरा कर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री अपना जो है बिना मास्क के घूमती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पूरे पुलिस प्रशासन साथ में उनकी जुजूरी करता है, लेकिन प्रदीप चौधरी जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है उसको आज बंद कर देते हैं और नॉन अवेलेबल बोल के उनको आज जेल में डाल देते हैं। आज कितनी भीड़ है यहाँ पे मौके पर, भीड़ क्या चल रही है? हजारों लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी को रिहा किया गया। मैनेजर, पिछले 3 घंटे से आपके इनके समर्थक खड़े हुए, अभी क्या खड़े रहेंगे? और ये समर्थक कह रहे हैं कि हम प्रदीप भैया की रिहाई के बाद जाएंगे, क्या उनको साथ लेके जाएंगे आप? क्या कहना पड़ रहा है? मैं मनीष चौधरी, हेड सचिव युवा कांग्रेस।